तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। तो इसके अंदर आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो ये मेरा है पहला कंप्यूटर जिसे मुझे लगभग 1 साल पर हो गया। तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी इसको चला के देखा तो ये कुछ चल नहीं रहा था, तो मैं इसे ठीक कराने ले जा रहा हूँ। तो इसे सबसे पहले मैं इसे अच्छे तरह से पैक कर लूँगा जिससे टूटे नहीं रास्ते में। तो यहाँ पर जो इसकी रिपेयरिंग शॉप है वो काफ़ी दूर है, इसीलिए मुझे इसे अच्छे से पैक करना होगा। तो इसे मैं अच्छे से पैक कर लेता हूँ और फिर से दुकान पर ले जाता हूँ। तो मिलते हैं दुकान से आने के बाद। हो फाइनली मैंने इसको ठीक करा लिया है। तो इसमें काफ़ी सारी मैंने प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसकी रैम भी बनाई है। तो देखते हैं रैम किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर मॉनिटर को कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। तो जो ये मॉनिटर है, जो पहले हमारे पास एक टीवी पड़ी थी, उसी को मैंने यहाँ पर मॉनिटर के रूप में काम में लिया है। मैंने कोई और अलग से मॉनिटर खरीदा नहीं है। जो मेरे पास टीवी थी जो ऐसे काम में नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए भी मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा था। इसमें अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया था। तो इनको कनेक्ट करने के बाद हमारे पास ये है जिसे मैं यहाँ पर जो मेरा हेडफोन है वो उसको रखने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके जो ये पॉलीथीन है इसको निकाल दूँगा, तो इसके यहाँ पर कस दूँगा अच्छी तरह से। ये मुझे लगभग 100 रुपये का मिल 100 रुपये का मैंने शॉप से ऑर्डर किया था। तो काफ़ी अच्छा स्टैंड है इसे हम ये वैसे तो ये मोबाइल स्टैंड है, लेकिन मैं इसमें अपना हेडफोन रखता हूँ, फ़ोन रखूँगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो मैं यहाँ से इसको कस दूंगा सबसे पहले, और यहाँ पर टेबल पे इसको लगा दूंगा जिससे हमारा हेडफोन काफ़ी अच्छा से कनेक्ट हो जाएगा, बड़ा रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके कॉल लगाऊंगा I'm not afraid to die.
फाइनली हमारा सेटअप तैयार है, तो दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का हमारा जो सेटअप था वो बना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।